अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम फिज़िक्स की शाहें पढ़ेंगे। पेज नंबर 3 है, ठीक है। पहले मैंने आपके दो क्वेश्चन कराए थे, साइंस और फिज़िक्स का तारफ, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, फिज़िक्स की शाहें, ठीक है। इसकी शाहें हैं मैकेनिक्स, हरारत, आवाज़, रोशनी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज़म, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम इंसान की हरकत के असरात और वजूहात का मुताला करते हैं। हरारत, ये हरारत की माहियत इसके असरात और इंतकाल हरारत पर बहस करती है। आगे आवाज़, इसमें आवाज़ की लहरों के तबीई पहलू, इनकी पैदाइश, हवास और अतला का अहाता किया जाता है। रोशनी, ये रोशनी के तबीई पहलू और इसके हवास के मुताला से मुतालिक है। नीज इसमें बसरी आलात के तरीक़ाकार इस्तेमाल का जायज़ा भी लिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें साकन और मुतहरक चार्जेस, साकन जो एक जगह से ठहरे होते हैं, मुतहरक जो हरकत में होते हैं, इन चार्जेस, इनके असरात और इनके मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाया जाता है। एटॉमिक फिज़िक्स, इसमें एटम की साख और इसके हवास का मुताला किया जाता है। न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये एटम के न्यूक्लियाई और इसमें मौजूद पार्टिकल्स के हवास और तर्ज़ अमल से मुतालिक है। प्लाज्मा फिज़िक्स, इसमें मादे की आयोनिक हालत की पैदाइश और हवास पर बहस की जाती है। जियो फिज़िक्स, जियो जैसे कि ज़मीन के बारे में है, ये ज़मीन की अंदरूनी साख के मुताले से मुतालिक है। बेटा, आज हमने फिज़िक्स की शाहें पढ़ी हैं। आपने फिज़िक्स की शाहें इसको अपने नोट्स पर लिखना है और इस सब शाहों को अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। इस शाहों को याद करने से हमें पता चल जाएगा कि इसके बारे में हमने कैसे पढ़ना है, कैसे हमें इसके बारे में हमें सारी मालूमात होनी चाहिए। ओके बच्चे, कल हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, खुदा हाफिज़।